मनोज मेरा बॉयफ्रेंड है। सो है एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो गाइस, अभी है मेरे साथ शीनू और अभी हम लोग है रास्ते पे, गांव का सड़क पे, अभी आप लोग देख सकते हो। और जा रहे हैं कहाँ? ज्योति के घर। उसके बाद जा करके पहुँचने के बाद बात करते हैं क्यों जा रहे हैं। सो ये है ज्योति का घर, बड़ा ही खूबसूरत, गेट खुला हुआ है। सो गाइस, फाइनली मैं हूँ अभी ज्योति के घर के छत के ऊपर में। ये रही ज्योति, ठीक है। तो अभी आप लोग, एक बहुत ज़्यादा कमेंट्स आता है हर एक वीडियो पे कि ज्योति कौन है कौन है, और मैक्सिमम कमेंट्स उसमें रहता है कि गर्लफ्रेंड है, हम उसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है। इस तरह का कमेंट ही भरा हुआ रहता है, चाहे वो कोई भी वीडियो हो, फोटो हो, कुछ भी हो। तो आज की इस वीडियो पे अभी देख सकते हो, कैमरा हम लोगों ने सेट कर लिया है। वो क्वेश्चन भी करेंगे, कौन है नहीं है वो भी रिवील होगा। साथ ही बहुत सारा जो है यूट्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे उसको, ताकि आप लोगों को भी कुछ सीख मिले, कुछ अच्छा लगे। जो भी वुमेन्स है, फीमेल है, ठीक है, जो वीडियोस बनाती है, यूट्यूब पे काम करती है, उनके लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा ज्योति से। बाकी जो आपका लोग का जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, उसके बारे में भी पूछेंगे, ठीक है। तो वीडियो का आप लोग एंड तक देखते रहना। इधर अभी कैमरा शूट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वाला फुटेज आप लोग को इसी वाले कैमरे का फुटेज दिखेगा, तो चलिए वीडियो पे बने। सो हाय एवरीवन, अभी आप लोग देख सकते हो मेरे साथ है ज्योति, ठीक है। तो अभी गाइस, इस वीडियो पे मैं आप लोगों से इनके साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा, जो कि यूट्यूब से रिलेटेड होगा, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है। और फाइनली वो भी क्वेश्चन करूंगा जो आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज्योति है फीमेल, ठीक है। अब लड़की है तो इसको, तुम्हें जैसे क्या होता है कि ब्लॉगिंग ये करती है, अब ब्लॉग जब बनाने के लिए बाहर जाना पड़ता है तभी ब्लॉग बन सकता है। तो जैसे घर पे तुम रहती थी, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे वीडियो का कंटेंट ढूंढना, ये सब कैसे आइडिया कहाँ से आता है? तो आइडिया तो जो है खुद से भी आता है, और मैं जो है बहुत सारे किसी का जो है ब्लॉग्स चैनल जो है फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे चैनल है, तो उन लोगों का जो है देखती हूँ कंटेंट, तो उन सब से कुछ सीखती हूँ। और बाकी जो है बाहर तो अभी उतना नहीं ही जाते हैं, बहुत कम ही जाते हैं, पर फिर भी। और प्रॉब्लम्स तो बहुत ही होता है, क्योंकि हम लोग रहते हैं मतलब एक छोटे से गाँव में, और विलेज में तो रहते नहीं है, तो इधर जो है लड़की के हाथ में अगर फ़ोन भी कोई देख लेगा तो गलत थॉट्स अपना सोचने लगता है कि क्या पता नहीं फ़ोन पे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, या किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, ये सब जो है बहुत नेगेटिव सोचता है। प्लस दूसरे तीसरे को भी लोग बताते चलता है कि उसको देखा ऐसे करके, तो मतलब पीठ पीछे बुराई। मुँह पे तो सब अच्छा बोलता है, फिर पीठ पीछे जो है बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। और ब्लॉगिंग करते हैं तो कैमरा मतलब घर पे तो फेस कर लेते हैं, पर बाहर जो है देखते हैं जहाँ कोई नहीं है तो फट से बना लेते हैं, या फिर कभी कभी तो बस रिकॉर्डिंग करके। ये चीज़ मैंने भी अभी नोटिस किया है, ये क्या करती है, जैसे पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पे बोलने में थोड़ा सा अभी भी हेजिटेशन होता है। एक्चुअली बात है, लड़की है, ठीक है, लड़का रहता है तो हम लोग तो चलो कहीं कुछ भी हुआ जा करके बोल दें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लड़की है तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता ही है पब्लिक प्लेस में, तो ये क्या करती है कि उस टाइम अगर ज़्यादा भीड़ रहता है तो पहले वीडियो शूट कर लेती है और घर में आकर उसको वॉइस ओवर कर देती है। तो ये भी आप लोग ये ट्राई जो है यूज कर सकते हो, मतलब ये ट्रिक, अगर आप लोग हेजिटेशन होता है, फीमेल हो, अगर आप बोलने में हेजिटेशन होता है, चाहे आप मेल भी हो, अगर लड़का हो फिर भी आपको हेजिटेशन होता है, तो आप जा करके उस प्लेस में बैकग्राउंड का वीडियो शूट कर लेना, घर आकर के वॉइस ओवर कर देना, जैसे ये करती है। ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है ब्लॉग करने के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग में। बाकी फिर धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होता रहता है। तो अभी आप लोगों ने जैसा कि सुना कि अभी गांव में, एक्चुअली मैं बताऊं तो अभी लड़की में अगर यूट्यूब चैनल अगर यूट्यूब कर कोई करती है तो वो अभी एकमात्र ज्योति ही है ना। इधर तो शायद अभी कोई नहीं करती है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, पता नहीं अगर कोई करता भी होगा लेकिन पता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि अभी गाँव में अभी भी ये सब में जो है उतना लोगों को नहीं पता है कि यूट्यूब क्या है, क्या नहीं करती है। फ़ोन लेके घूम रही तो हो सकता है समझने लगती है कि क्या कर रही है, एटीट्यूड दिखा रही है, फिर फ़ोन में क्या करती है नहीं करती, कुछ इस तरह का नेगेटिव थॉट्स। तो ये तो प्रॉब्लम हमारे गांव में होता ही रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये बताओ, जैसे कि टिकटॉक बैन हुआ तो उसके बाद ज्योति आई थी, ठीक है, यूट्यूब पे, तो पहले ये बनाती थी टिकटॉक वीडियो, तो तुम ये बताओ, जैसे टिकटॉक पहले बनाते थे, अभी कर रही यूट्यूब, तो अभी तुमको किस में ज़्यादा मज़ा है? पहले टिकटॉक में ज़्यादा अच्छा लगता था कि यूट्यूब ज़्यादा अच्छा लगता करने में? इंजॉय करने का अगर बोले तो टिकटॉक में मज़ा आता था, क्योंकि उसमें जो है 15 सेकंड का रहता था, फटफट लिप सिंक करते थे, कुछ सोचना नहीं पड़ता था, सामने म्यूजिक रहता था, बस उसी को रिपीट करना था। और अभी जो है वो मतलब इतना, वो 15 सेकंड का अभी कम से कम 5 से 7 मिनट का तो वीडियो रहता ही है, प्लस वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, तो बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है, तो मेहनत का फल भी वैसे मिलता है, उसमें कुछ नहीं मिलता था। और एक बात है ना, यहाँ पे यूट्यूब पे ऑडियंस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आप लोग का कमेंट करते हो, तो वो सबसे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। ये चीज़ टिकटॉक पे नहीं होता था, टिकटॉक पे लोग देखते हैं भले लाइक्स ज़्यादा आ जाए, ठीक है ना, व्यूज ज़्यादा आ जाए, फेस मतलब ब्यूटी के पर ही कमेंट करते हैं, आपके मेहनत पे कोई कमेंट नहीं करते। तो ये चीज़ है कि यूट्यूब पे ये एक अच्छा चीज़ है कि यहाँ पर फीडबैक भी मिलता है, लोगों को अप्रिसिएशन मिलता है, तो आगे जाकर के और अच्छा काम करते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अभी ये बताओ, जैसे यूट्यूब पे अभी तुम्हारे व्यूज़, मैं पिछले कुछ वीडियोस से देख रहा हूँ कि व्यूज़ अभी ठीक ठाक आ रहे हैं,
पहले उतना अच्छा खासा व्यूज़ नहीं आता था, अभी पब्लिक का सपोर्ट भी ज्योति को बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। तो अभी यूट्यूब से जो है अभी अर्निंग किस तरह का हो रहा है खुल के बता सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैसे पर डे कितने डॉलर्स बन जाते हैं जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा फीमेल्स में जो अभी काम करती है? तो अभी जो है मेरा पहले जो फर्स्ट पेमेंट आने के बाद जो है व्यूज़ भी बढ़ा है, प्लस जो है डॉलर भी, मतलब पहले एक दो दिन में जो है $2.5 तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा $3 ही बढ़ता था, उससे ज़्यादा मेरा नहीं बढ़ता था। और अभी जो है मतलब 10-20-30 भी कभी कभी बढ़ जाता है। तो अभी आप समझ सकते हो कि 15 मान के चलो कि एवरेज ठीक है, तो मंथली $400-$500 हो जाएंगे अगर इस तरह का चलता रहा। पहले नहीं चलता था, अभी पिछले 4-5 वीडियो से ही ऐसा व्यूज आ रहा है। तो $400-$500 मतलब कि 25 to 30,000 मंथली अर्निंग होगा अगर इस तरह का व्यूज़ आए। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर एक आपका छोटा सा भी यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, जैसे ज्योति के चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ओनली 30 के सब्सक्राइबर है, फिर भी अर्निंग इतना हो जाता है। और स्पॉन्सर भी अभी आना शुरू हो गया इसको, ठीक है, ये ज़्यादा करती नहीं है, इसे एक दो अभी तक की हुई है, और ज़्यादा स्पॉन्सर का अभी तो उतना प्राइस नहीं मिलता लेकिन ठीक ठाक मिलता है। तो आप लोग इस वीडियो से मतलब ये क्वेश्चन पूछने का मकसद मेरा ये था कि आपका अगर यूट्यूब चैनल है, अगर आपका 10,000 भी सब्सक्राइबर है तो भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर लोगे, जो कि आपको एक प्राइवेट जॉब करोगे तो उतना पैसा आपको नहीं मिल सकता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि थोड़ा सा मेहनत करो, एक छोटा सा भी यूट्यूब चैनल रहे तो भी आपका काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिलियन सब्सक्राइबर होना चाहिए, बस फेस वैल्यू वाला एकदम रिस्पेक्टेड और क्वालिटी कॉन्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे ज्योति अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स बनाती है, दिखाती है क्या करते हैं नहीं करते हैं इस तरह का, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख करके। बाकी आप लोगों से मोटिवेशन के तहत ये वीडियो बनाया जा रहा था ताकि अगर कोई भी फीमेल है, वुमेन है, वो लोग भी आगे इस तरह का काम कर पाए, और मेल भी है तो भी काम करे, क्योंकि लड़की होकर जब कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते। सो गाइस चलिए अब चलते हैं मेन एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर, जो कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है हर एक वीडियो पे, कि ज्योति के साथ अगर मेरा कोई फोटो स्टोरी मैंने डाला या फिर यूट्यूब पे वीडियोज डालता हूँ तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में अगर 2000 कमेंट है तो उसमें से 1990 कमेंट, 10 कमेंट छोड़ करके रहता है गर्लफ्रेंड है, हमारी भाभी है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो अभी इसी से पूछते हैं कि ये मेरी कौन है, बताओ कौन है? मनोज मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर ये चीज़ मतलब रियल होता, अगर आप लोग सुनते तो बहुत अच्छा लगता, मुझे पता है, ठीक है। आप लोग यही सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन गाइज मैं अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप लोग कमेंट करते हो वैसे पढ़ने में अच्छा लगता है, अगर आप लोगों का कमेंट बुरा लगता तो हम लोग डिलीट कर देते कमेंट, ठीक है, तो ऐसा नहीं। तो कमेंट्स करते हो सही है, लेकिन जो आप लोग सोचते हो ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग हैं एक ही जगह से, आप लोगों को मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखाया है, मेरा घर ये रहा ज्योति का घर, मेरा घर वो एकदम साइड पे ही है, ठीक है। वो आप लोगों को बिहाइंड द सीन वाला वीडियो पे दिख जाएगा, एक इसके बाद एक और वीडियो आएगा बिहाइंड द सीन वाला, ठीक है, कि ये वीडियो कैसे शूट हुआ था, तो वो वाला वीडियो भी आप लोग जरूर देखना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो इस वीडियो से क्लियर करना था कि ऐसा कोई मैटर नहीं है, ठीक है, बस हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं। और अभी क्या है कि हमारे गाँव से ऐसे यूट्यूबर्स जितने भी बन रहे हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा एक कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है, ठीक है, कि मिलजुल कर हम लोग काम करते हैं ऐसा। तो बस और बात बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, तुम्हें मजा आया ना इंटरव्यू देने में? हाँ, तो जो लोग मतलब नेगेटिव कमेंट मतलब मेरे और मनोज का लेके जो है कमेंट्स करते हैं, तो नॉर्मल मैसेज रहता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो है बहुत गंदे कमेंट्स रहते हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि कमेंट्स जो है ये भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ती हूँ, प्लस फैमिली मेम्बर्स भी पढ़ते हैं और गांव के लोग भी पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। जब हम दोनों का वीडियो आता है तो ज़्यादातर लोग जो है वीडियो कम कमेंट्स इधर कमेंट ज़्यादा रीड करते हैं, तो थोड़ा सोच के कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बस पड़ोसी और अच्छे दोस्त हैं और गंदा वाला कुछ वैसा रिश्ता नहीं है, तो वैसा गंदा मत बनाइए कि हम लोग को भी ऑकवर्ड लगे एक दूसरे से बात करने के लिए। तो ऐसा कुछ रहता तो हम लोग खुल के बोल देते, टेंशन थोड़ी, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट मतलब ये है कि बैड कमेंट्स मत करना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसीलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया ताकि ये जो है चीज़ों को क्लियर किया जाए। तो चलिए उम्मीद करूँगा आज के ये आप लोगों को ब्लॉग जो है पसंद आई है, ब्लॉग तो था नहीं, एक इंटरव्यू टाइप का वीडियो था। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो या सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही ज्योति के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके चैनल का नाम है ज्योति श्री महतो, तो जाकर के इनके भी चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो पर इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।